मित्रों कितना प्रभाव पड़ता है। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्वों त्योहार को कितना फोड़ बनाने का प्रयास हो रहा है, कितने फोड़ फोड़ जाने बसते थे। लेकिन इस बार मैं प्रदेश भर के सभी जगहों के गांवों को मैं चौंपाता था कि क्या कार्य बदले मुझे और बताओ, क्योंकि समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन हर जगह एक ही गाना बोली में गुजरा था, जो राम को लाए हैं। आप अनुमान करिए होली है, लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र जी ने कितनी सहजता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ, और उतनी ही यानी बहुत जो जानू सांसद थे लगातार लगते थे, संसद के हर सत्र में उनकी आवाज उठती थी। मैं भी 2009 से 14 तक और फिर 14 से लेकर के 17 तक देश की संसद में उस दौरान था जब राजेंद्र जी भी मेरठ से सांसद थे, और मैं अक्सर उनसे पूछता था कि राजेंद्र जी आप कब मेरठ जाते हैं, कब दिल्ली आते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता है। संसद जैसे समाप्त हुआ और मेरठ आ गए, और संसद शुरू होने तक फिर संसद में पहुंच गए। उस समय ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी 2009 में, 14 के पहले की कनेक्टिविटी और 14 के पहले के मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वह आपके सामने है। और उन स्थितियों में राजेंद्र जी ने अपने योग्यतम प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविंद जी को आपके बीच में यहां पर दिया है। और अरुण गोविंद जी भारत की कला जगत की वह एक जीवंत हस्ताक्षर है जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था। मैं देख रहा था उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना में 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मांग हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल दिखा दो। दूरदर्शन की तिहार भी बढ़ गई फिर से, तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। हस्तिनापुर भी आप इन्हें जन्म दिया, और उससे भी पहले, इतिहास से भी बहुत पहले आपके इस जनपद और इस क्षेत्र की पहचान थी। और 1857 को, 10 मई 1857 को धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में आजादी का संग्राम भी इसी धरा पर हुआ था, और बाबा अमरनाथ मंदिर उसका साक्षी। और कभी भी मेरठ उससे चूका नहीं है, जब अवसर मिलता है तो मेरठ उसको हाथों हाथ देता है। और अरुण गोविंद जी आपके साथ में है, इसलिए वे आज इस मंच पर हमारे बीच में है। मैं प्रत्याशी के रूप में उनको हृदय से बधाई देता हूं, और आप सबका आह्वान करता हूं कि जो बात करता हूं धनी से उनका स्वागत करते हैं। हमारे माननीय विधायक श्रीमती रेखा नागर जी हैं, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी हैं, हमारे सहयोगी दल